आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक मुंडा पांडे के गांव मछरिया पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 11 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से 16 किलोमीटर है। 2400 वोट और 7000 की जनसंख्या वाले इस गांव के बागडोर कल्लू सिंह संभाले हुए हैं। गांव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर गांव की जिम्मेदारी इनके हाथों में सौंप दी है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गांव में अच्छा विकास कराया है। ग्राम प्रधान श्री कल्लू सिंह और सचिव श्री कौसर अली के द्वारा स्कूल के सौंदर्यकरण के साथ साथ सड़कों का भी काफी निर्माण कराया गया है। यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। बताते चलें कि यह 5वीं बार लगातार गांव के प्रधान चुने गए हैं। अपने अच्छे विकास कार्यों के कारण जनता इन्हें ग्राम प्रधान चुनती है। 4 वर्षों में इन्होंने गांव को किस तरह से सजाया है और क्या समस्याएं अभी बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक मुंडा पांडे के मछरिया ग्राम पंचायत में। यहाँ प्रधान द्वारा अब तक काफी विकास कार्य करवाए जा चुके हैं जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। 4 साल आपके कार्यकाल को पूरे बीत चुके हैं जी। क्या क्या विकास कार्य अपने ग्राम पंचायत में अब तक करवा दिए? विकास कार्य हमने रास्ते कराए हैं, नालियां कराई है, शौचालय बनवाए हैं जी, और स्कूल में टाइल्स वगैरह लगवाई है, कवर पेंट वगैरह करवाए, स्कूल में जो है काफी सौंदर्यकरण करवाया जी। आवास मिले हैं यहाँ लोगों को? आवास मिले हैं, आवास बनवाए हैं जो 2011 की तिथि के अनुसार। केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलती हैं उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, क्या इनका लाभ गांव में सभी को मिला है? इनका लाभ जो है कनेक्शन भी मिले हैं, उज्ज्वला के जो है गैस सिलेंडर लोगों के घर पहुँचे हैं, जो फ्री वाली स्कीम है मोदी जी वाली, और कनेक्शन सबके सभी के लगभग कोई कनेक्शन रहा नहीं है गांव में, लगभग सभी के कनेक्शन। किसानों को जो सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है वो कितने परसेंट लोगों को यहां मिला है? यहां लगभग जो है सभी को मिला है। कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनका जो है जिन्होंने कागज जमा नहीं किए, फर्ज वगैरह नहीं दिए, उनको ही लोग रह गए। कुछ डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम है, उसमें किसी पे आराम है, गड़बड़ है, या बैंक के खाते में। आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड ये बने हैं? आयुष्मान कार्ड भी बने हैं, राशन कार्ड भी लगभग सभी लोगों के। यहाँ पर सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट वगैरह लगवाई है? सोलर लाइट भी लगवाई है, स्ट्रीट लाइट भी लगवाई है, पूरे गांव में लगवाए हैं। बिल्कुल पूरे गांव में। यहाँ स्कूल के अलावा जैसे बारात घर, पंचायत भवन ये बने हुए हैं? नहीं, पंचायत भवन नहीं है, बारात घर भी नहीं है। आंगनवाड़ी केंद्र? आंगनवाड़ी केंद्र बना है। खेल का मैदान है? खेल का मैदान है, मगर उसमें अभी जो है विवाद चल रहा है। ग्राम समाज की भूमि है यहाँ पर? हाँ, कुछ लोगों का जो है वो पहले से ही चकबंदी के पहले से ही उनके मकान बने हुए थे, उनके खेत थे। तो अस्पताल कितनी दूर है यहाँ? अस्पताल तो वैसे मुंडा पांडे पड़ता है विकासखंड पे, और एक ये जो है जिले पे पड़ता है। यहाँ आपके आसपास ग्राम पंचायत में कोई सामुदायिक केंद्र या उप स्वास्थ्य केंद्र कोई भी नहीं है? स्वास्थ्य केंद्र वगैरह बने थे, मगर उनमें कोई डॉक्टर वगैरह आज तक बैठे नहीं, मतलब दवाई लोगों को यहाँ मिलती नहीं है, कोई फायदा उनका यहाँ अभी तक लोगों को मिला नहीं, लाभ मिला नहीं है। तो इसके लिए कभी आपने कोशिश की? कई बार हमने कंप्लेंट भी की जी, सीओ वगैरह को जो है एप्लीकेशन वगैरह दी, मगर जो है कोई सुनवाई पे नहीं हो पाई। अब अपने गांव को सुंदर और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहेंगे? सरकार सब जो है जो योजनाएं चल रही है सब गांव को और शहर को सिटी को वगैरह सब सुंदर बनाने की चल रही है। सरकार की जो स्कीम है वो ये है कि गांव स्वस्थ रहे और सफाई अभियान चलता रहे। साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है? सब कुछ ठीक चल रहा है जो है। दवाइयों का छिड़काव वगैरह करते हैं यहाँ संधु में? जी जी, जैसे अब मौसम आ रहा है, मच्छर बढ़ेंगे तो उसमें छिड़काव यहाँ पर किया जाएगा जी। कितने परिवार यहाँ ऐसे होंगे जिन्हें आवासों की जरूरत है? आवासों की जरूरत के आवास तो हर आदमी की डिमांड है, लेकिन कुछ परिवार ऐसे जिनके हालात बहुत ही खराब हैं, जो बिल्कुल पिन्नी या कच्ची छतों में रह रहे हैं, ऐसे कितने परिवार जो कच्ची छतों में रह रहे हैं उनका हमने जो है सर्वे करा के भेज दिया गया मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। प्रधानमंत्री आवास योजना जो थी, जो चल रही थी हमारे यहाँ, वो जो है सारी खत्म हो चुकी है। कोई और समस्या आपके गांव में ऐसी है जिसके लिए आप चाहेंगे कि सरकार की कोई मदद हो या सरकार खास? भाई सरकार तो पूरे देश में ध्यान दे ही रही है, सरकार तो दे ही रही है, सरकार इतने अभियान चला रही है, भाई सरकार योजनाएं चला रही है, सब गरीबों को सभी लोगों को लाभ दे रही है। ऐसी सरकार कभी ना आई और शायद ना आएगी, जब तक ये सरकार है जब तक जो है
उन्होंने कहा है कि सन 2022 तक जी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा जिसके सिर पे छत नहीं है। जी बिल्कुल, तो आपकी भी कोशिश है इसमें तो हमारा भी प्रयास यही रहता है, वही गांव में हमें चुनके रखा है जी। मैं अपने गांव से 5वीं बार प्रधान बन गई, लगातार 5 बार आप यहां प्रधान हैं जी, तो काफी विकास यहां गांव में जा रहे हैं कि आपने करवाया है। जो भी विकास है वो हमारे हाथ का है और चल ही रहा है, और हम भी ये प्रयास करते हैं, विकास की वजह है, लोगों के संबंध की वजह है, जो गरीब लोगों का ध्यान रखते हैं, सभी लोगों की पेंशन आ रही है, सभी को पेंशन मिलती है, तो इसीलिए जनता तो जनता है, इसीलिए जनता बार बार हमें बैठा देती है। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास इनके द्वारा यहाँ अब तक करवाया जा चुका है, क्योंकि पिछले कई सालों से लगातार ये यहाँ पर प्रधान चुनते चले आ रहे हैं, तो जाहिर बात है कि विकास की चरम सीमा पर ये गांव पहुंच चुका होगा। जैसे कि नाली निर्माण, सड़क निर्माण, आवास भी कुछ लोगों को मिले हैं, शौचालय से भी गाँव पूरी तरह से ओडीएफ हो चुका है, स्कूल में काफी सौंदर्यकरण यहाँ करवाया गया है, सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, लेकिन अभी भी कुछ समस्याएं यहाँ ऐसी हैं जिनसे लोग जूझ रहे हैं, जिन्हें काफी परेशानी का सामना करना निर्मित नहीं है। इसके अलावा जो एक प्रमुख समस्या यहाँ सामने आई है वो है कि अस्पताल यहाँ से काफी दूरी पर है, कई किलोमीटर दूर पर है, कोई भी उप स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर आसपास नहीं है, और जो निर्मित है वो केवल एक बिल्डिंग, एक इमारत के रूप में खड़े हुए हैं, ना तो वहाँ कोई डॉक्टर है, ना ही कोई दवाई मुहैया होती है। जैसा कि अब महामारी फैली हुई है, तरह तरह की बीमारियां फैली हुई हैं, सरकार को खास तौर से यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि जितने भी स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं वहाँ दवाइयाँ और डॉक्टर मुहैया कराए, ताकि लोगों को परेशानी कम हो और बीमारियों से निजात मिल सके। अशरफ अली के साथ मैं आज रही।